नमस्कार दोस्तों, जल्द कुमकुम भाग्य को अलविदा कहने वाले हैं अभी यानी कि इसके मेन किरदार। इन दोनों टीआरपी लिस्ट में टीवी सीरियल कुमकुम भाग्य लगातार सुर्खियों में चल रहा है और इस शो को खूब ज्यादा पसंद किया जा रहा है। आप सभी को बता दें कि जितनी भी खबरें हमारे पास आई हैं उसके अनुसार अभी तक अभी के किरदार में दिखने वाले शब्बीर को नया शो मिल गया है। वहीं ये बताया जा रहा है कि ये नया शो बेबी एकता कपूर का ही है और आने वाली खबरों के अनुसार इस नई सीरीज में शब्बीर नेगेटिव रोल में दिखाई देंगे इस नए शो में। और जितने भी जानकारी हम अपने पास से जुटा पाए हैं उसके अनुसार ये लोग शब्बीर के अब तक के निभाए गए जितने भी किरदार हैं, जितने भी रोल हैं, सबसे अलग होने वाला है। आप सभी को ये भी बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार शब्बीर जल्द ही कुमकुम भाग्य को अलविदा कहकर एक नए शो में आ सकते हैं। जानकारी के मुताबिक कुमकुम भाग्य में लीप आने के बाद शब्बीर इस शो को छोड़ देंगे और शब्बीर ने इस बारे में कुछ भी अभी तक कंफर्म नहीं किया है। जी हाँ, अभी तक ये चीजें सामने नहीं आई हैं कि अभी और प्रज्ञा का किरदार अब खत्म होने जा रहा है और दोनों शो को छोड़कर एक नए शो में आने के लिए तैयार हैं। वहीं आप सभी को ये भी बता दें कि कुमकुम भाग्य टेलीविजन पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शो में से एक है और इस सीरियल में लीड पेयर का रिलेशनशिप दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। वहीं बीते कुछ सालों में सीरियल में काम कर रहे लोगों के बीच में नजदीकी रिश्ता भी बन गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कुमकुम भाग्य को इतना ज्यादा प्यार मिला है कि इसका स्पिन ऑफ वर्जन जमाया यानी कि कुंडली भाग्य ने भी खूब ज्यादा धमाल मचाया और उसने भी काफी ज्यादा तारीफें बटोरी और दोनों शो ऐसे हैं जो हमेशा ही टॉप 5 में बरकरार रहते हैं, शुमार रहते हैं। दर्शक इसकी कहानी को, इसके किरदार को, इसकी हर एक चीज को अपने आप से जुड़ा महसूस करते हैं। शायद यही वजह है कि हमेशा इस शो के जो अपकमिंग ट्विस्ट हैं या फिर अपकमिंग जितनी भी खबरें होती हैं वो इतनी ज्यादा जल्दी वायरल हो जाती हैं सोशल मीडिया पर। अगर आप भी उनमें से एक हैं, आप भी इस सीरियल से प्यार करते हैं, हमेशा जानना चाहते हैं इसके अपकमिंग ट्विस्ट और अपकमिंग स्टोरी, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ साथ टुडेज की ऐप को जरूर डाउनलोड करें। धन्यवाद।